आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया का बयान सामने आया। सतीश पुनिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। प्रदेश में बीजेपी धरातल पर मजबूत है। सतीश पुनिया की तरफ से कहा गया, बिखरी हुई कांग्रेस चुनौती नहीं है, लोकसभा चुनाव में दुष्प्रचार किया गया, हरियाणा में बहुमत की सरकार बनाएंगे, हरियाणा का मिजाज कांग्रेस के खिलाफ है। उन्होंने कहा है, कांग्रेस गुटों में बटी हुई पार्टी है। बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी का यह बड़ा बयान है, कांग्रेस पर उनकी तरफ से निशाना जो है वो फिलहाल साधा गया। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद सतीश पुनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सतीश पुनिया ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी धरातल पर मजबूत है, विधानसभा और लोकसभा चुनाव का मिजाज अलग होता है, प्रदेश में बिखरी हुई कांग्रेस चुनौती नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाएंगे। जयपुर राजस्थान बीजेपी प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया का यह बड़ा बयान है। लोकसभा चुनाव में हालांकि हमें सिर्फ 5 सीटें मिली, लेकिन फिर भी यदि सीट टू सीट उसका एनालिसिस करेंगे तो विधानसभा के सेगमेंट से हम लोग कांग्रेस से कहीं आगे थे। दूसरा, हरियाणा का जो विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव का थोड़ा मिजाज अलग होता है। जिस तरीके की कांग्रेस की वहाँ अंदरूनी स्थिति है वो बहुत बेहतर नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का अपना जो संगठन है वो धरातल पर अपेक्षाकृत और दलों से ज़्यादा मजबूत भी है। वहाँ पार्टी के नेता परिश्रमी हैं, एकजुट हैं। बिखरी हुई कांग्रेस को मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए कोई चुनौती है। लोकसभा की कुछ बातों से हम लोगों ने सीख भी ली है और उस आधार पर हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, उसकी पूरी समीक्षा हम लोगों ने की है। उम्मीदवारों का ठीक चयन हो जाए, जनता का एक एजेंडा हम लोग जनता तक पहुँचा सकें और पिछले 10 वर्षों में जो उपलब्धियाँ केंद्र की और हरियाणा की सरकार ने अर्जित की हैं उनका ठीक तरीके से बेनिफिशरीज तक हम लोग उस चीज़ को अपील के रूप तौर पर ले जाएं, तो मुझे लगता है कि सब लोगों को साथ लेके, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को साथ लेके हम लोग हरियाणा की चुनौती को निश्चित रूप से सफलतापूर्वक पार पाएंगे। लोकसभा के बारे में भी ये दुष्प्रचार किया गया था कि हरियाणा में बीजेपी को 0 सीट मिलेगी, हरियाणा को 2 सीट मिलेंगी, कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। बावजूद उसके हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर कैंपेन चलाया, जनसमर्थन मिला, 5 सीटें हम जीते। कुछ सीटों पर हम केवल मर्यादित अंतर से हम लोग वो चुनाव हारे। वहाँ पर कुछ रणनीतिक और तात्कालिक कुछ मुद्दे रहे थे। जैसा मैंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा का मिजाज अलग होता है, तो हमें वो सीखने के लिए काफ़ी कुछ समय मिला है, ठीक भी किया है। तो मैं कह सकता हूं कि वहां के जो समीकरण होंगे, स्थानीय समीकरण होंगे, वहां के जो तात्कालिक मुद्दे होंगे, हमारी पार्टी की अपनी रणनीति और तैयारी होगी, वो सब इस बात को पुष्ट करती है कि हरियाणा में हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। स्वस्थ हूं कि हरियाणा का जो मिजाज है वो परंपरागत रूप से कांग्रेस के खिलाफ रहा है। वहाँ जहाँ तक रीजनल इलेक्शन का सवाल है, वो चाहे चौधरी देवीलाल जी का युग हो, बंसीलाल जी कांग्रेस से अलग हुए, भजनलाल जी कांग्रेस से अलग हुए, 10 साल से बीजेपी की सरकार वहाँ है, तो हरियाणा की जनता कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट देती है। और इस समय जब वो गुटों में बटी है, हुड्डा गुट अलग है, शैलजा अलग है, रणदीप सुरजेवाला अलग है, तो कुल मिलाकर ये गुटों में बटी हुई कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला ठीक से कर पाएगी, इसमें शंका है।